नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से वीडियो लेकर आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा दोस्तों आर्मी सीएमई पुणे ग्रुप सी पोस्ट आया था, तो इसमें ऑनलाइन माध्यम से आप लोग को अप्लाई करना होगा दोस्तों। इसमें किसी भी राज्य से किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, ये ऑनलाइन अप्लाई कब से कब तक ऑनलाइन अप्लाई चलने वाला है, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो बिना स्किप करके एंड तक देखते रहना और बने रहना। दोस्तों मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिस चैनल आप देख रहे हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो ऑल इंडिया गवर्नमेंट के जॉब के रिलेटेड के बारे में इसी चैनल में आप लोग को भी देखने को मिलता रहेगा और खुश रहेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं आर्मी सीएमई पुणे ग्रुप सी का पोस्ट रिक्रूटमेंट, इसमें 2023 का है। इसमें टोटल पोस्ट आप लोगों को 119 पोस्ट आप लोगों को टोटल पोस्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। अभी मैं आप लोग को देखा था दोस्तों, इसमें आप लोग को क्या क्या पोस्ट आप लोग को देखने को मिलेगा सारी जानकारी मैं बताऊंगा दोस्तों। देख सकते हैं आर्मी सीएमई पुणे ग्रुप सी पोस्ट 2023 का है दोस्तों। इसमें ऑर्गेनाइजेशन में बात करेगा तो दोस्तों आर्मी कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग सीएमई शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, आर्मी कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे। ये आप लोग को पोस्ट नेम आप लोग को देखने को मिलेगा दोस्तों, अकाउंटेंट इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक सीनियर मैकेनिक माइंडर लीडर। आप लोग को इस तरह से आप लोग को देख सकते हैं दोस्तों, अलग अलग से आप लोग को पोस्ट देखने को मिलेगा, अलग अलग से आप लोग को पोस्ट सारी आप लोग को देखने को मिलेगा दोस्तों। इसमें से आप लोग को बहुत सारा पोस्ट है, इसमें सिंपल क्लास 10 पास होने से भी इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हो दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं। ये आप लोग को नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 119 पोस्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। ये हम लोग को ऑनलाइन माध्यम से आप लोग को अप्लाई करना है दोस्तों। ये गवर्नमेंट जॉब टाइप की बात करेगा तो दोस्तों ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। जॉब लोकेशन बात करें तो ये पुणे है दोस्तों। इसमें सिंपल क्लास 10 पास ही अप्लाई कर सकते हो, क्लास 12 डिग्री पास ही इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हो। अलग अलग से आप लोग को पोस्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। एज लिमिट की बात करें दोस्तों 18 ईयर से लेकर 25 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। उसका साथ साथ आप लोग को गवर्नमेंट हिसाब से आप लोग को एज सिलेक्शन भी मिलने वाला है दोस्तों। एससी एसटी कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आप लोग को 5 ईयर्स एज सिलेक्शन मिलेगा, अगर ओबीसी में बिलोंग करते हो तो 3 ईयर्स आप लोग को एज सिलेक्शन मिलने वाला है दोस्तों। सैलरी की बात करेगा दोस्तों 25,500 से लेकर 81,100 पर मंथ आप लोग को मिलने वाला है दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेगा तो रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट प्रैक्टिकल टेस्ट भी बोलाता है, स्किल टेस्ट भी बोला जाता है। उसके बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल होगा दोस्तों। एप्लीकेशन फीस की बात करेगा तो दोस्तों ये देख सकते हो URO EBBS EBL, इसमें कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, नील है, दो सब कैटेगरी में ये एप्लीकेशन फीस नील है दोस्तों। देख सकते हो दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, आज से अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। मैं ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा प्रोसेस, मैं आप लोग को ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, वो वीडियो देख के आप खुद ही अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। वीडियो ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आप लोग को वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि अगर एक बार सबमिट करोगे तो दोबारा से करेक्शन ऑप्शन नहीं मिलेगी, इसलिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन जाकर वीडियो देखने के बाद आप खुद ही अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो 25 फरवरी तक ये ऑनलाइन अप्लाई चलने वाला है। जो लोग इस फॉर्म के लिए आवेदन करना चाहते हो इंटरेस्टेड है, 25 फरवरी के लिए आप लोग को अप्लाई करना होगा दोस्तों। इनमें से दोस्तों लेकिन आप लोग को इनमें 119 पोस्ट से लेकिन अलग अलग से आप लोग को कैटेगरी वाइज से डिवाइड कर दिया गया है दोस्तों। आप लोग को सारी आप लोग को इस पर देखने को मिलेगा। अभी दोस्तों मैं आप लोग को वन बाय वन बताऊंगा दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा, आप लोग को खुद ही देख सकते हो दोस्तों। इस तरफ से आप लोग को पोस्ट देखने को मिलेगा, आपकी किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो आप लोग को देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर दोस्तों देख सकते हो इसमें भी देख सकते हो, अकाउंटेंट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो ग्रेजुएशन में कॉमर्स का स्टूडेंट होना जरूरी है, उसका साथ साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस होना जरूरी है दोस्तों। इस तरफ से आप लोग को देखने को मिलेगा दोस्तों, अलग अलग से आप लोग को अलग अलग से पोस्ट भी देखने को मिलेगा दोस्तों। देख सकते हो लोअर डिवीजन क्लर्क में अगर अप्लाई करना चाहते हो दोस्तों, इसमें टोटल पोस्ट 14 पोस्ट, सिंपल क्लास 12 पास होना जरूरी है। उसके बाद कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 35 वाट पर मिनट आना जरूरी है दोस्तों। अगर हिंदी की बात करेगा तो हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हो तो 30 वाट पर मिनट आना जरूरी है। इस तरफ से आप लोग को देखने को मिलेगा दोस्तों। देख सकते हो स्टोर कीपर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, क्लास 12 पास होना जरूरी है, उसके साथ साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है दोस्तों। इस तरफ से दोस्तों अलग अलग से आप लोग को पोस्ट देखने को मिलेगा दोस्तों ये आप लोग को सारी आप लोग को इस तरफ से आप लोग को किस के लिए किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो दोस्तों। देख सकते हो लश्कर के लिए 13 पोस्ट देखने को मिलेगा, इसमें सिंपल क्लास 10 पास मैट्रिकुलेशन पास होने से, क्लास मैट्रिकुलेशन का मतलब क्लास 10 पास होने से भी इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हो दोस्तों। देख सकते हो सिंपल क्लास 10 पास होने से भी इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हो दोस्तों। तो इसके लिए किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो आप लोग को पहले देख लेना, उसके बाद आप लोग को अप्लाई करना है दोस्तों। देख सकते हो इसमें कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, सब फ्री है, इसमें कोई एप्लीकेशन फीस नहीं दोस्तों, मैंने पहले से भी मैंने बताया दोस्तों। लेकिन सैलरी भी अलग अलग पोस्ट से, जितना पोस्ट से अलग अलग से आप लोग को सैलरी दिया जाएगा दोस्तों, मैंने पहले से भी बताया था दोस्तों। देख सकते हो सिलेबस की भी बात करेगा तो सिलेबस में भी देख सकते हो अलग अलग से आप लोग को देखने को मिलेगा। सिलेबस में देख सकते हो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आप लोग को देखने को मिलेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आप लोग को सिलेबस होगा दोस्तों। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज होगा दोस्तों। उसके बाद जनरल अवेयरनेस आप लोग को सिलेबस होगा दोस्तों। देख सकते हो आज से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, आज मैं ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, आप लोग को नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन जाकर वीडियो देख सकते हो दोस्तों। तो इस तरफ से आप लोग को देख सकते हो। तो दोस्तों इतना ही है मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ लाइक को भी प्रेस कर देना। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो ऑल इंडिया गवर्नमेंट के जॉब के रिलेटेड के बारे में इसी चैनल में आप लोग को भी देखने को मिलती रहेगा और पूछते रहेगा, जरूर जोर से वीडियो शेयर कर देना। चलो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों फिर मिलते हैं।